जब तुम मुझे यहाँ इस घर में लेके आए और मैं स्टोर रूम में छुपी रही, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि राजीव तुम्हारा पति भी हो सकता है। कल्पना तो कभी हम भी नहीं किए थे कि आप और राजीव बाबू माने कभी दोस्त थे। दोस्त नहीं, मंगेतर थे। हमारा रिश्ता दोस्ती से भी बहुत गहरा था। हाँ वही। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें मेरे और राजीव के बारे में पता होता तो क्या तुम मुझे यहाँ घर ले आती? काहे नहीं लाते, जरूर लाते। काहे कि अगर भोले बाबा आपका उनके जीवन में आना लिखे थे तो जब राजीव बाबू आंख से लाचार थे आप तभी यहाँ चली आती। अरे अंधेरा हो गया। अब मैं तुम्हारे जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा लाऊंगी। गुड नाइट रोहू। जी आपको भी शुभरात्रि। संजीव क्या हुआ बेटा? भाजी वो नींद नहीं आ रही है। ला मैं दूध गर्म कर देती हूँ। रुक। तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? तुम्हारे लिए भी दूध गर्म कर देती हूँ। जानते हैं तुम दोनों को कुफू की चिंता हो रही है। दादा और भाभी दोनों अलग अलग कमरे में सो रहे हैं। अब आगे क्या क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। यही वक्त था जब राजीव और कुफू का रिश्ता और मजबूत हो सकता था, लेकिन ये रिया बीच में आके मामला और कमजोर कर रही है। रिया को लेकर तो हम भी बहुत परेशान हैं। सिर्फ परेशान होने से या चिंता करने से काम नहीं चलेगा। हमें अच्छी तरह दिख रहा है कि रिया कुछ खेल खेल रही है। उसके क्या खेल खेल रही है ये नहीं समझ पा रहे। सॉरी रिया जी, हमारा आंख लग गया है। रिया जी, रिया जी वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हारे साथ वाली जगह जो मेरी थी मेरी होगी। काश तुम जान पाते राजीव कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। बहुत जल्दी ये कमरा मेरा होगा, हक से, दिल से।
गॉड, चल चल, रिया जी, रिया जी। जय भोलेनाथ। इस कमरे से और इस घर से मैं तुम्हारी परछाई तक मिटा दूंगी कुहू। अगर तुम राजीव की बीवी ना होती तो हम दोनों सहेलियां होते। डोंट माइंड, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। कुहू के पायल की आवाज। कहाँ से आ रही है? प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। तो राजीव बाबू बहुत सुकून से सो रहे हैं। ये बोले बाबा, उनको और हमारे प्यार को ना किसी का नजर ना लगे। पर पानी तो कमरा में भी था। ओह, मैंने वहां देखा नहीं। माफ कीजिएगा रिया जी, लेकिन ये घर आपका नहीं है। अब इस तरह रात में इधर उधर घूमेंगे, आपके साथ साथ बाकी लोगों का भी नींद खराब हो जाएगा। सो जाइए। चाहे जितनी कोशिशें कर लो, राजीव को हासिल करने में तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। कितना भी कोशिश कहे न कर ले, हम आपको आपका सीमा, आपका मर्यादा पार करने नहीं देंगे। गोद में उठा के लाए थे तुमको यहाँ, हर कदम पे हमारा रक्षा किए हो तुम आज तक, पर अभी ना वो दलदल में फंस गए हम। यहाँ से निकलने का ना कुछ कोनो रास्ता, कोनो राह ही नहीं दिख रहा हमको। बोले ना, तुम समझ रहे हो ना, वो मन के अंदर ना अजीब सा बेचैनी हो रहा है हमको। नहीं, घर, यहाँ के लोग, ये परिवार सुरक्षित रहे और हमारा सिंदूर हमारी मांग में सुरक्षित रहे। बस अपना कृपा बनाए रखो, बस इतल से निकलने का राह बता दो। क्या हुआ? बहुत ना बेचैनी जैसा हो रहा है बुआ जी। एक बात बोले। बोलो। का घर में इस सुख शांति के लिए वो पूजा करा सकते हैं, शांति पूजा? विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, शांति पूजा नहीं, सत्यनारायण की कथा करवाते हैं।
लेकिन उसमें बुआ जी तो पति पत्नी को साथ में बैठना पड़ता है ना। हाँ तो तुम राजीव बैठोगे ना, इस घर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करोगे। ठीक है, मैं पंडित जी से बात करती हूँ। भोले की भक्त हो ना तो यकीन रखो उन पर, सब ठीक होगा बेटा। यकीन तो है हमको अपने भोले बाबा पे, तभी तो पल पल तुमको ध्यान में रखते हैं। हमको पता है तुम ही निकालोगे हमको इस दलदल से, और तुमको ही रक्षा करना है हमारे सुहाग। ये किसके लिए? रिया के लिए। हम नहीं चाहते कि इस घर में उसे अकेलापन महसूस हो। वो हम सबके बीच में रहेगी, उठेगी बैठेगी, हमारे साथ खाएगी, तो जल्दी ठीक हो जाएगी ना इसलिए। क्या हुआ? ये कुहू की जगह है, तुम उधर बैठ जाओ। ओह, I'm so sorry कुहू। वो क्या है ना, मैं पहले जब यहाँ आती थी तो इसी चेयर पर बैठती थी, तो बस आदत सी। आदत बदल लो अपनी। इस घर में इतने सालों में काफी कुछ बदल गया। एंड डोंट माइंड, जब 3 साल पहले आप नहीं आई तो अब भी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, शायद मेरे से गलती हो गई। यहाँ बात नहीं, अब बैठिए कुर्सी में। कुर्सी का तो बात है, हम यहाँ और बैठ जाएंगे। तुम यहाँ बैठो कुहू, हमारी कुर्सी। आओ बैठो। इस घर में शांति का वास होना बहुत जरूरी है, और पिछले कुछ समय से इस घर का माहौल बहुत बेचैनी भरा और अशांत है, तो हम सोच रहे थे कि सत्यनारायण की कथा करवा लें। इस घर में शांति का होना बहुत जरूरी है। अरे रे, ऐसा क्या हो गया इस घर की शांति को कि आपको पूजा करवाने की जरूरत है? इस घर में क्या हो रहा है उसका जवाब अपने आप से पूछो खुशबू। वैसे इस पूजा में घर के दंपत्ति साथ बैठते हैं ना, मतलब पति और पत्नी? हाँ, तो राजीव और कुहू बैठेंगे ना। वैसे जो भी हो, अगर सुहागन के गले में सुहाग की निशानी ही ना हो तो किस बात की पत्नी और कैसी सुहागन? खुशबू। क्या खुशबू? आप खुद ही देखिए ना, देखिए अब बताइए। कुहू, मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? हमारा मंगलसूत्र कहाँ गया? ये कैसे हो सकता है? हमारा मंगलसूत्र कहाँ गया है?
ये मंगलसूत्र मेरे राजीव के नाम का मंगलसूत्र तुम्हारे नहीं मेरे गले में होना चाहिए। कोई मंगलसूत्र कैसे खो सकता है? तुम तो बहुत सुहाग और सिंदूर करती फिरती हो ना, फिर अब मंगलसूत्र कहाँ है? किसी सुहागन के गले से मंगलसूत्र गिरने का मतलब समझती हो तुम? तुम्हें पता भी है क्या हो सकता है? हमें तो सोच के भी घबराहट हो रही है। खुशबू, सच में आपको समझ नहीं आ रहा, वो पूछ ही नहीं पा रहे कि हमारा मंगलसूत्र कहाँ खो गया, कहाँ पता नहीं कहाँ गिर गया, हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा। वैसे ये राजीव ने पहनाया था ना तुम्हें? ये कैसा सवाल? नहीं बुआ जी, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि राजीव की कोई दी हुई चीज कोई ऐसे ही कैसे खो सकता है? मैं होती तो मैं तो वो नहीं ना। नहीं हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ये मेरे गले में होता तो मैं अपने आप से कभी उसे अलग नहीं करती। जैसे अपने सुहाग का तुमने अपने आप से कभी अलग नहीं किया। राजीव, ये ब्रेसलेट याद है तुम्हें? उस रोज हमारी शादी फिक्स हुई थी और तुम इतने खुश थे कि तुमने अपने हाथों से मुझे ये ब्रेसलेट पहनाया था। और देखो अभी भी यूं ही बंधा है। बहुत सुंदर है। उस दिन की याद में, तुम्हारी याद में अभी तक नहीं उतारा मैंने इस राजीव की निशानी। ये कैसी फिजूल की बातें कर रही हो रिया, रहने दो अभी। और पापा, आपको याद है आपने घर पर हवन रखवाया था उस रोज जब मेरी और राजीव की सगाई फिक्स हुई थी? वैसे गू ने भी आज तक हमारी कोई भी दी हुई चीज नहीं खोई, ना कोई चीज और ना ही कोई जज्बा था। एको, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, यही कहीं होगा, मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताओ हमको, अपने गले में आखिरी बार मंगलसूत्र कब देखा था तुम? रात में जो सो रहे थे तुम्हारे गले में ही था, कोई याद है। फिर जब सवेरे उठे तो ध्यान नहीं दिए, शायद तभी गिर गया होगा कहीं। ठीक है, मिल जाए। तुम तो बड़ा पत्नी होने का स्वांग रचती हो ना, फिर अब क्या हुआ? इसको देखो, इसकी राजीव के साथ शादी होने वाली थी लेकिन हुई नहीं, और राजीव ने इसे जो ब्रेसलेट दिया था वो इसने आज तक संभाल कर रखा है अपनी कलाई पर। बकवास बंद करो खुशबू, गुहू ने जो संभाला है ना उसका कोई मोल नहीं, और राजीव के बुरे वक्त में गुहू ने उसका साथ दिया था, और मंगलसूत्र खोया है, मिल जाएगा, दिल का ताड़ मत बनाओ। आप बिल्कुल सही कह रही है बुआ जी, जो गुहू ने किया उसकी कोई तुलना नहीं है। इनफैक्ट आज मैं आप लोगों के सामने गुहू की वजह से ही हूँ। थैंक यू सो मच गुहू, और हम सब मदद करते हैं ना गुहू की, आई एम श्योर सब अगर हेल्प करेंगे तो हमें मंगलसूत्र मिल जाएगा। अब जो भी हो, ऐसे मंगलसूत्र का खोना अच्छी बात नहीं है, बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अब आज मंगलसूत्र खोया है, कल क्या पता रिश्ता ही खो जाए। तुम चुप रहोगी? क्यों, ये तो कट गया। ठीक है हम। अरे क्या ठीक है, लाओ इधर। हम ठीक।
संजीव जाकर फर्स्ट एड किट लेके आओ जल्दी। अरे हम कह रहे ना कि हम ठीक है, रहने दीजिए, हमको मंगलसूत्र ढूंढना है। हाँ। अरे आप लोग बातें करना बंद कीजिए ना, मंगलसूत्र ढूंढिए प्लीज। पंडित जी, प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। बुआ जी पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? पंडित जी पूजा किसी और रोज हो सकती है क्या? आज का दिन बहुत ही शुभ है, जो भी दंपति आज पूजा करेंगे ना उनको 7 जन्मों के पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन पूजा आज ही होगा, मंगलसूत्र ढूंढ लेंगे हम। मंगलसूत्र? जी पंडित जी, घर की बहू रानी ने खो दिया है मंगलसूत्र। फिर तो ये पूजा में कैसे बैठ सकती हैं? सुहागन की निशानी तो सुहागन का धर्म होता है, उसके बगैर पूजा कैसे हो सकती है? अब मैं देखती हूँ कि कुहू तुम कैसे राजीव के साथ पूजा में बैठती हो।